गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 6, मेजरमेंट एंड मोशन। ओके, आर यू लिसनिंग मी? चैप्टर नंबर 6, मेजरमेंट एंड मोशन। All of you know that measurements play an important role in our life. Every day we have to measure different things, either our length, either we have to measure our clothes or height or the houses which we are making. Every day there are so many things we have to measure around us also, and in our houses also. Suppose we are taking the length of parda to make our room furnished. So there are so many things whose length is every day taken in and outside the our house also. Suppose we are going to school, then what is the distance between your house to school? That is also the length or the distance what you have traveled. So these are the things that is done by the measurement. How much sugar is required for preparing anything, kheer, halwa? So there is a measurement needed in day-to-day life, and measurement is necessary to know to get the answer of such things. So you all know what is measurement. Measurement means things required for what is necessary to prepare something or to take the length of your room, your distance covered, whatever you want to do, either it is in length, distance. So here measurements plays an important role. Each and everything, how to prepare the meal, in that also you need the measurement. दाल में कितना नमक देना है, हलवे में कितना चीनी देना है, चावल में कितना पानी देना है. These all things are measured in a quantity, and this measurement plays an important role in our life. Proper measurement is very important. अगर आप suppose class 6 के बच्चे हैं और आपका dress 10th के बच्चे के जैसा सिल के आपको पहना दिया जाए, तो क्या ये आपके body में फिट आएगा? No. अगर आप 6 के बच्चे हैं और 3 class का dress पहना दिया जाए, तो वो भी काफी छोटा होगा. तो there needs a important measurement of your body. What is the length? What is the breadth of your body? And then according to that measurement, when your dress is stitched and then you wear it, then you get the proper fitness of your body. So proper measurement is very important. We cannot manage things just by guessing. अब आप बोल देंगे कि 4 हाथ लंबा मेरा कुर्ता सिल देना, तो 4 हाथ लंबा में या तो वो आपका छोटा हो जाएगा या काफी बड़ा हो जाएगा. तो क्या वो आपको फिट होगा? नो. तो अगर फिट नहीं होगा तो यू विल नॉट लुक स्मार्ट. बेवकूफ के जैसे दिखेंगे बहुत छोटे कपड़े में, या बहुत अधिक रहेगा तब भी बेवकूफ दिखेंगे. तो वी कैन नॉट गेस और से दिस टाइप ऑफ और दिस क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड. यू नीड द प्रॉपर मेजरमेंट टू गेट द फिटनेस ऑफ योर बॉडी और आइदर द लेंथ ऑफ द रूम. वट एवर यू प्रिपेयर, यू नीड द प्रॉपर मेजरमेंट. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? सर,
For example, suppose you go to the tailor and you say, "Master ji, मेरा पैंट शर्ट सिल दीजिए," और यू डोंट गिव द मेजरमेंट. मैं 8 साल का बच्चा हूँ, तो 8 साल के कोई कोई बच्चे बहुत छोटे होते हैं, कोई कोई बहुत मोटे होते हैं. अगर आप छोटे हैं, आपका मोटे के नाप का कपड़ा सिल दिया, तो क्या इट विल फिट इन योर बॉडी? नो, यू विल नॉट बी लुकिंग गुड, ढीला ढीला सिल देगा. तो आप उससे देख के बेवकूफ के जैसा दिखेंगे. तो प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर मेजरमेंट बहुत ही जरूरी है आपके ड्रेस के लिए, एक एक चीज के लिए. सपोज आप खीर बनाते हैं, अब आधा किलो दूध में आधा किलो चावल का खीर बन पाएगा? तो वो तो चावल हो जाएगा. तो हर चीज के लिए, अब आधा किलो चावल के लिए कम से कम 4-5 किलो दूध रहेगा, तब उसका खीर अच्छा बनेगा. तो एवरीथिंग नीड्स द मेजरमेंट एंड प्रॉपर मेजरमेंट, देन वी गेट द प्रॉपर रिजल्ट. ओके, हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, वेरी गुड. क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल आर फिजिकल क्वांटिटी. जिस क्वांटिटी को हम नाप तोल सकते हैं, तो उसको हम कैसा क्वांटिटी कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. क्वांटिटीज विच कैन बी मेजरेबल और मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. व्हाट इज मेजरमेंट? आप देखते हैं अभी जो है वो आधा मीटर, 1 मीटर का स्केल आता है, टेप आता है, जिससे हम मेजरमेंट करते हैं. लेकिन पहले के जमाने में लोग हाथ से मेजर करते थे, हैंड स्पैन से. 1 बित्ता, 2 बित्ता, चाहे आधा हाथ, जहाँ पे आपका केहनी है वहां से मेजर करते थे, तो कहते थे दैट इज हाफ मीटर. लेकिन दैट इज नॉट द प्रॉपर मैनेजमेंट मेजरमेंट, बिकॉज कोई जो लंबा आदमी है तो उसका हाथ लंबा होगा, तो उसके मेजरमेंट में 10 to 15 सेंटीमीटर का हमेशा डिफरेंस रहेगा. तो अब जो वी आर टेकिंग द प्रॉपर मैनेजमेंट थ्रू सेंटीमीटर और मीटर स्केल, देन वी आर गेटिंग द प्रॉपर मेजरमेंट. और पहले हम अंदाज से करते थे, तो अंदाज का चीज थोड़ा कभी कभी फिट भी आएगा, कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कभी कभी थोड़ा कम हो. बट दैट नीड द प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी और नीड द प्रॉपर स्केल टू मेजर. जब हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर मेजरमेंट करते हैं प्रॉपर स्केल से, तब जो हमको मेजरमेंट मिलता है दैट इज ट्रू एंड करेक्ट मेजरमेंट. सपोज वी आर आस्क्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन टेबल. अब हम ये टेबल को मीटर स्केल से करेंगे, तो सपोज आपका जो बेंच है, डेस्क है, जो आप स्कूल में बैठते हैं, वो 1 मीटर का होता है जनरली. दो बच्चे आधा आधा मीटर में बैठ जाएंगे, इसलिए उसका लेंथ 1 मीटर. अब उसको हम अगर हाथ से, हैंड स्पैन से, बित्ता से नापेंगे, तो वो लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्पैन का होगा, 4, 6 बित्ता का. तो ये जो आपका हैंड स्पैन है, वो जो छोटे बच्चे होंगे उनका छोटा होगा, मैम बड़ी है तो मैम का बड़ा होगा, सर उससे भी बड़े हैं तो सर का और बड़ा होगा. तो कैन वी गेट द प्रॉपर मेजरमेंट? नो, उसमें हम 10 to 15. ओके, तो उसको 10 to 15 से 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा. लेकिन वही जब हम सेंटीमीटर और मीटर स्केल से मेजर करेंगे, तो सबका मेजरमेंट एक ही आएगा, आएगा ना? जब हम स्केल से मेजर करते हैं, तो उसमें तो उतना ही, छोटा स्केल में 15 सेंटीमीटर रहता है, बड़ा स्केल में कितना रहता है? 30 सेंटीमीटर रहता है. तो चाहे वो आप नापे या हम नापे, द मेजरमेंट शुड बी सेम. ओके, सपोज वी आर आस्क टू फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन टेबल. इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट वी मे डिसाइड टू यूज द स्पैन ऑफ द हैंड फॉर दिस पर्पस. वी कैरी आउट द मेजरमेंट एंड मे कम अप विद द आंसर दैट द लेंथ ऑफ द टेबल इज 6 स्पैन. और ये 6 बित्ता का टेबल है. लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द टेबल, बिकॉज अ बित्ता तो किसी का छोटा भी हो सकता है, किसी का हैंड स्पैन अधिक भी
हो सकता है. ए क्लोज लुक एट दिस मेजरमेंट रिवील्स दैट वी हैव यूज टू थिंग्स टू एक्सप्रेस इट. सो देर आर वन हैंड स्पैन एंड लेटर इज यूनिट. तो इफ वी हैव टू टेक द प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ एनी अननोन क्वालिटी अननोन क्वांटिटी वी हैव सम फिक्स्ड यूनिट टू दैट. एंड इफ वी टेक दैट क्वांटिटी मेजरेबल देन दैट क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज. Now I am performing an activity. All of you look. Ask the student to measure the width of the classroom, desk, study table using the hand span as a unit. अब आपको कहा जा रहा है क्लास में जितने क्लासरूम को अपने हैंड स्पैन से मेजर करें, क्लासरूम के डेस्क को और टेबल को, और हैंड स्पैन जो है वो उसका यूनिट है. नेम ऑफ द स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग होंगे. विड्थ ऑफ द डेस्क स्टडी ऑफ द टेबल इन द टर्म्स ऑफ द चाइल्ड. अगर 10 बच्चे हैं तो 10 अपना नाम लिखेंगे और सब अपने अपने हैंड स्पैन से उस टेबल और डेस्क को मेजर करेंगे. व्हाट डू वी ऑब्जर्व हम जब ऐसा करेंगे तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट अबव एक्टिविटी द रिजल्ट फॉर द लेंथ ऑफ द सेम डेस्क और टेबल as reported by the students are not as quite same. There are some different in centimeters. So we can guess the reason what for this difference. The length of one hand span may be different from another. Hamara hand span dusre ke hand span se thoda chhota ho sakta hai, thoda bada ho sakta hai. So the measurement of the classroom desk will be also different according to the length of the hand span of the different children. So the result what we will get is not a proper measurement of the classroom desk. So if we are using the proper measurement scale or centimeter scale or meter scale, then we get the proper or same result for all the students. In the same way, if the length of the floor is measured by different children in the terms of their footstep, that will be also not same. Agar hum footstep se bhi classroom ke length ko measure karte hain, tab bhi there will be difference. Wahan pe thoda thoda difference aayega because every one footstep is not same as the other student. So you will not get the same length of all the children. Have you understood all of you? If you have listen carefully. Okay, listen carefully. If you have any problem regarding any topic where you have not understood it, so please ask me. Okay. Now to measure the physical quantities, there are standard units to measure the physical quantities. Suppose the length is measured in meter. आपका कपड़ा बनाना है तो वो हम किस में बनाएंगे. लेंथ जानते हैं ना कि बाजार में जब कपड़ा खरीदने जाते हैं तो एक मीटर दो मीटर, तो वो क्या हुआ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या है. इसका जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको लेंथ में मेजर करते हैं और लेंथ का जो है मीटर क्या हो लेंथ का जो मेजरमेंट है वो किस में करते हैं मीटर. टाइम सेकंड में और मास जब कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो आइदर वो ग्राम और किलोग्राम. तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है मास का किलोग्राम. लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर. टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड. मास का स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम. वी नाउ हैव अ स्टैंडर्ड सेट और सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. दिस सिस्टम यूज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये जो फिजिकल यूनिट है
ये पूरे वर्ल्ड में एक ही है और इसको सभी ने एक्सेप्ट किया है। इसी से इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, इंटरनेशनल मीन्स इट इज वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाहे आप यहाँ पे सब्जी खरीदे वो भी किलोग्राम में मिलेगा, चाहे आप ब्रिटेन में खरीदे फ्रांस में खरीदे, 1 किलो सब्जी का मास का वेट वही किलोग्राम में मेजर्ड होगा। सो इट इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वी यूजुअली यूज द शॉर्ट नेम इन एसआई यूनिट। अब देर विल बी अ क्वेश्चन रिगार्डिंग एसआई यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। जस्ट नाउ आई हैव टेल यू व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, सेम ही टाइम। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, एसआई यूनिट ऑफ मास। वेरी गुड। देर इज अ क्वेश्चन ऑल्सो इन वन वर्ड, इट विल बी आस्क व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीटर। ऑप्शन विल बी गिवन, मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, इन विच यू विल गेट द टिक, मीटर। सपोज देर विल बी क्वेश्चन व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, देन ऑप्शन विल बी ऑल्सो मीटर, सेकेंड एंड किलोग्राम, इन विच ऑप्शन यू विल। ओके वेरी, तो यू मस्ट नो, ओके ओके, यू मस्ट नो द फिजिकल और द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एंड एसआई यूनिट फॉर ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देर इज अ शॉर्ट नेम दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, आई एसआई यूनिट्स। अब डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, सपोज हमको कोई चीज की लंबाई डायरेक्ट लेनी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंच का या सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हैं कि घर में घर बनाने वाले भी आते हैं तो इंच टेप लेके आते हैं, दर्जी भी होते हैं वो भी इंच टेप लेके, आप स्कूल में पढ़ते हैं तो भी यू आर यूजिंग द मीटर सेंटीमीटर स्केल स्केल का इस्तेमाल करते हैं लाइन खींचने के लिए कॉपी में, तो देयर ऑल्सो यू आर यूजिंग द सेंटीमीटर स्केल। सो एवरी डे टू गेट द प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग वी आर यूजिंग द एनी पर्टिकुलर स्केल टू मेजर दैट क्वांटिटी। सपोज इफ वी मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ इन आर डेली लाइफ, वी नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल इन योर रूम, लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड इन आवर स्कूल, लेंथ ऑफ द पेंसिल इन आवर स्कूल बैग एंड सो ऑन। सो वी आइदर यूज द मीटर स्केल और सेंटीमीटर स्केल, और देर इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग मेजरिंग टेप फॉर दिस पर्पज। आप देखते हैं गोल गोल टेप रहता है, उसको जैसे जैसे खींचते जाएंगे तो सेंटीमीटर में नहीं तो इंच में वो मेजरमेंट देता है, आपने देखा है लकड़ी वाला आता है बनाने के लिए, तो उसके पास भी आप ये मेजरिंग टेप देखते हैं। घर बनाने के लिए जो आते हैं उसके पास भी आप मेजरिंग टेप देखते हैं, दर्जी के पास जाते हैं तो उसके पास भी आप मेजरिंग टेप देखते हैं। सो फॉर दिस वी आर यूजिंग आइदर द मीटर स्केल और द मेजरिंग टेप फॉर मेजरिंग द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पर्टिकुलर लेंथ। आइदर द लेंथ विल बी ऑफ एनी मास और एनी मटेरियल। मीटर स्केल्स आर अवेलेबल इन द डिफरेंट साइजेस। देयर आर मीटर स्केल्स दैट आर 1 मीटर लॉन्ग, हाफ मीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। आप देखते हैं स्केल जो ही आप यूज करते हैं स्कूल में,
सबसे छोटा स्केल कितना होता है? 15 सेंटीमीटर का। छोटा वाला स्केल देखे हैं ना आप लोग, प्लास्टिक का, वो उस पे कितना लिखा रहता है? 15 सेंटीमीटर। किसी के पास, अभी आपके पास जब कंपास बॉक्स पास में हो तो उसमें से निकाल के देखिए कि वो लेंथ जो है स्केल का, वो 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। किसी के पास है पास में कंपास बॉक्स? तो आप देखिए वहां 15 सेंटीमीटर छोटे स्केल में लिखा है, और इसके पास बड़ा स्केल है उसमें देखिए कि मैं उस स्केल में 30 सेंटीमीटर। हाँ, तो जो हम स्कूल में स्केल यूज करते हैं तो दैट इज ऑफ 15 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, लेकिन वही जब हम लार्ज स्केल में मेजर करते हैं तो ये हाफ मीटर का भी होता है, 1 मीटर का भी होता है। फॉर मेजरिंग, मेजरिंग टेप्स आर मच लॉन्गर इन लेंथ, लेकिन चूंकि हम ये छोटे छोटे क्वांटिटी को मेजर करते हैं इसलिए 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, हाफ मीटर एंड 1 मीटर का। लेकिन जैसे मकान है, प्लेग्राउंड को मेजर करना है, उसके लिए ये जो मेजरमेंट स्केल है काफी छोटा पड़ जाएगा और हमको घंटों लग जाएंगे इसको मेजर करने के लिए। तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द मेजरिंग टेप्स। वहां हम मेजरिंग टेप्स का इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग लेंथ को मेजर करने के लिए, एंड इट इज अप टू 10 मीटर लॉन्ग मेजरिंग टेप्स। 10-10 मीटर लंबा मेजरिंग टेप होता है, सो दैट इट इज इजियर टू टेक द प्रॉपर लेंथ ऑफ एनी लॉन्गर लेंथ दैट वी आर मेजरिंग। सो हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके ओके। नाउ ऑल ऑफ यू मेक अ कॉलम, ओके, एंड राइट ऑन द अपर लेंथ ऑफ योर आर्म्स, लेंथ ऑफ योर फीट, लेंथ ऑफ योर रूम, लेंथ ऑफ योर गार्डन और बालकोनी, सब कोई अपने अपने हैंड का, फीट का लेंथ, अपने बॉडी का लेंथ, अपने रूम का लेंथ और अपने बालकोनी का लेंथ। 5 लेंथ आई एम गिविंग यू। सब कोई आज अपने अपने इन पांचों चीज का लेंथ को मेजर करके नोटबुक में नोट करेंगे। लेंथ ऑफ योर हैंड, लेंथ ऑफ योर फीट, लेंथ ऑफ योर बॉडी, लेंथ ऑफ योर रूम, लिविंग रूम एंड लेंथ ऑफ योर बालकोनी। इज दैट क्लियर एवरीवन? सारे लोग आज ये, और एक एक कॉलम बनाएंगे, लेंथ ऑफ आर्म, फिर वहां अपने आर्म को मेजर करके लिखेंगे, लेंथ ऑफ फीट, देन आल्सो यू विल मेजर योर फीट, लेंथ ऑफ योर हाइट, हाइट मेजरमेंट करके लिखेंगे, फिर लेंथ ऑफ योर लिविंग रूम, जिस रूम में आप रहते हैं वो 30 सेंटीमीटर वाले स्केल से धीरे धीरे मेजर करके वो लिखेंगे, और लेंथ ऑफ योर बालकोनी, सबके घर में बालकोनी है, बालकोनी का लेंथ मेजर करेंगे, और यू विल राइट द पर्टिकुलर लेंथ ऑफ योर बालकोनी। दिस इज योर होम असाइनमेंट टुडे, ओके? ओके, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज व्हाट? सेमी। स्टैंड केजी और किलोग्राम। वेरी गुड। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर रिस्पॉन्स। वेरी गुड, गुड स्टूडेंट।
there are different length or different scale to measure the different quantities. So what is measurement? Anyone who will answer, what is measurement? Koi, anyone will answer, what is measurement? All of you listen. Measurement is a process of comparing two or some unknown quantity with some known standard measure unit of that quantity. मेजरमेंट ऐसा प्रोसेस है जिससे हम वो अननोन क्वांटिटी को मेजर करेंगे और इसके मेजर करने के लिए एक मेजरमेंट यूनिट होना चाहिए. मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग सम अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन स्टैंडर्ड यूनिट. दो अननोन क्वांटिटी को नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से मेजर करेंगे एंड दैट इज नोन एज मेजरमेंट. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज अ यूनिट दैट इज यूज्ड एंड एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दैट इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ units. The standard units for three physical quantities, length, mass and time. That is, the standard unit of length is meter, the standard unit of mass is kilogram, and the standard unit of time is second. So there are so many standard units to measure the different physical quantities. In this chapter, we have got the three standard unit of length, mass and time. But there is not only three standard unit, there are so many standard units to measure the different physical quantities. Later on, when you will go in the upper classes, you will learn more. So you will write the definition of what? Very good. First of all, you will write the definition of measurement. What is measurement? What is standard unit? And now I am starting. What is motion? Motion. What is time? Time, all of you know that times play an important role. हमारे जीवन में समय का बहुत अधिक महत्व है. Everyone, you all know. All the activities that are performing or revolving around us depends upon the time. आप जैसे आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले आपकी नजर कहाँ जाती है? टाइम. सबसे पहले आप वॉल क्लॉक देखते हैं कि कितना बजा. सपोज व्हेन यू आर गोइंग टू स्कूल, अभी तो स्कूल बंद है तो आप थोड़ा लेट भी उठते हैं. जब सुबह सुबह उठते थे, स्कूल जाना होता, तो सबसे पहले आंख
किस पे जाती है, वॉल क्लॉक पे आप टाइम देखते हैं तो, और रात में सोने टाइम भी टाइम देखते हैं, 10 बजा कि 11 बजा तब सोते हैं। तो कोई भी वर्क के लिए आपको स्कूल जाना है तो 8 बजे स्कूल जाना है, 2 बजे का इंतजार करते हैं कि 2 बजे छुट्टी होगी। तो एवरी टाइम एवरी मोमेंट यू आर रिकॉग्नाइजिंग द टाइम कि व्हाट इज द टाइम, एंड अकॉर्डिंग टू दैट टाइम यू आर परफॉर्मिंग योर एक्टिविटीज इन योर हाउस, इन योर स्कूल और एनी एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टाइम। सो टाइम्स प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर डे टू डे लाइफ। ऑल आवर एक्टिविटीज रिवॉल्व्स अराउंड द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, कमिंग टू स्कूल, गोइंग फॉर म्यूजिक लेसन, गोइंग फॉर साइंस पीरियड, गोइंग फॉर SST पीरियड, थर्ड पीरियड इज SST, फोर्थ पीरियड इज साइंस। सो एवरी मोमेंट यू आर डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, दैट अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर टाइम यू आर परफॉर्मिंग योर एक्टिविटीज। एंड ऑल इन योर स्कूल ऑल्सो, एवरीथिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर स्कूल, एवरी डे यू आर फॉलोइंग अ प्रॉपर टाइम टेबल। ऑन मंडे यू आर फॉलोइंग द टाइम टेबल ऑफ मंडे, ट्यूजडे टाइम टेबल ऑफ ट्यूजडे। तो देर इज अ पर्टिकुलर टाइम टेबल अलॉटेड टू यू, अकॉर्डिंग टू दैट टाइम टेबल यू हैव टू प्लान योर स्टडीज, प्लान योर होमवर्क, क्लास वर्क, एंड इवन यू हैव टू प्लान योर स्कूल बैग्स ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। Suppose you have not planned your school bag. What happened? All of you put your microphone off. Jivan, all of you. हेलो, पुट योर माइक्रोफोन ऑफ। तो ऑल थिंग्स और द एक्टिविटी विच आर परफॉर्मिंग इन आर डे टू डे लाइफ इज एज पर आवर वेल डिफाइंड और प्लान टाइम टेबल, एंड वी आर परफॉर्मिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द पर्टिकुलर डे। वी यूज अ क्लॉक टू मेजर टाइम इन एंशियंट टाइम। आज हम सभी के घरों में, हर कमरे में एक वॉल घड़ी होती है। एवरी चाइल्ड एंड एवरी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव गॉट अ रिस्ट वॉच, बट ऑन अर्लियर डेज और एंशियंट टाइम पीपल डू नॉट हैव अ क्लॉक टू मेजर द टाइम। पीपल डिड नॉट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द टाइम, दे देयरफॉर यूज नेचुरल इवेंट। वहां वो लोग सूर्योदय और सूर्यास्त से दिन का शुरुआत करते थे। जब सूर्यास्त हो जाता था तो सपोज दैट इज नाइट, टेकिंग प्लेस एट रेगुलर इंटरवल्स डे एंड नाइट, सीजन्स इन द ईयर, चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ द मून टू काउंट द टाइम इंटरवल्स। वहां सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से हम दिनों का निर्माण करते थे कि अभी सुबह हो गया, अभी रात हो गई, चेंज ऑफ ईयर के हिसाब से, चेंज ऑफ सीजन्स के हिसाब से, चंद्रमा, पूर्णिमा, इन सब चीजों के आधार पे हम टाइम इंटरवल्स को काउंट करते थे, दिन और रात को फॉलो करते थे। बिकॉज दैट टाइम वी आर नॉट हैविंग द प्रॉपर मेजरमेंट स्केल, आइदर देयर इज नो क्लॉक दैट टाइम। इट इज नाउ ए नोन फैक्ट दैट द पेंडुलम ऑफ ए गिवन लेंथ टेक अ डेफिनेट टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन।
आप देखते हैं कि पेंडुलम या किसी किसी घड़ी में भी पेंडुलम लटकता है, तो वह हर एक मिनट या आधे घंटे में बजता है, तो उसको वन ऑसिलेशन करने में सेम टाइम लगता है, डेफिनेट फिक्स टाइम लगता है टू टेक वन ऑसिलेशन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. इफ टू पेंडुलम ऑफ सेम लेंथ आर टेकन, अगर हम एक ही लेंथ के पेंडुलम को लेते हैं, दे विल टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. और दोनों पेंडुलम को एक साथ स्टार्ट करते हैं तो दोनों पेंडुलम एक ही टाइम लेगा टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. एक बार आने और जाने में वह उतना ही, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इट विल टेक द सेम टाइम. एंड दिस हैपेंस ड्यू टू द डिजाइन ऑफ द पेंडुलम क्लॉक. The pendulum clock time is measured by making use of time taken by the standard pendulum. To complete one rotation or one oscillation. So, nowadays, what is the standard you need to measure the time? And previous, what are the measures? In previous or ancient time, what we are using? Which type of instrument to measure the time? Anyone? In previous or in ancient time, we are using the natural events to measure the time. Sunset, sunrise, sunset, day and night, seasons in a year, changes in the appearance of the moon, count the time intervals. So previously, the natural events are used to calculate the time, but nowadays there are certain clocks to measure the time. The time interval between two successive heartbeats. What is the heartbeat of human being? Normal adult, 72 beats per minute. So that there will be a question. Take the correct MCQ. What is the normal heartbeat of an adult human being? And if it is measured in second, then what? 0.84 second. The pendulum of Big Ben clock in the House of Parliament of London, it is 7 meter long. Who is? Jeevan Kala. Whose name is Jeevan Kala? Tell her to put the microphone off. All of you, put your microphone off.
The pendulum of Big Ben clock in the House of Parliament, London, it is 7 meter long. वो जो घंटी है पार्लियामेंट ऑफ लंदन में, बिग बेन क्लॉक, उसका जो पेंडुलम है वो 4 मीटर लंबा पेंडुलम, जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि वह घड़ी कितनी बड़ी होगी जिसका पेंडुलम ही 4 मीटर लॉन्ग है। इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्विंग बैक एंड फोर्थ टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। ये 4 सेकेंड में एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन टू एंड फ्रो कंडीशन में लेता है, और इसको लेने में इट टेक्स 4 सेकेंड। आजकल आप लोगों के हाथ में डिजिटल क्लॉक आता है, उसी तरह गेम्स वाले स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं एंड दे फिक्स द पर्टिकुलर टाइम इन द स्टॉप वॉच। नाउ डेज वी हैव मेनी क्लॉक्स एंड वॉचेस दैट डू नॉट हैव ट्रेडिशनल आवर्स, मिनट एंड सेकेंड हैंड। दे डिस्प्ले टाइम डायरेक्टली इन डिजिट्स। सच क्लॉक्स आर कॉल्ड डिजिटल। जो टाइम को डिजिट में एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे क्लॉक को हम डिजिटल क्लॉक कहते हैं। समटाइम वी नीड टू मेजर शॉर्ट टाइम इंटरवल एक्यूरेटली। मोस्टली इट इज यूज इन गेम्स। फॉर दैट वी आर यूज ए स्पेशल टाइप ऑफ वॉच दैट इज कॉल्ड स्टॉप वॉच। ए स्टॉप वॉच इज यूज इन डिफरेंट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन लाइक रेसेस एंड स्विमिंग इवेंट्स। इट कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप एट वन विल। हम अपने हिसाब से उसका सेटिंग करते हैं, जब उसको स्टार्ट करेंगे और जब उसको स्टॉप करना होगा तब स्टॉप करेंगे, ऐसा सेटिंग कर देते हैं। इट्स यूज मेक्स इट इजी एंड कन्वीनियंट टू मेजर द टाइम इलेप्स्ड इन अ पर्टिकुलर शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी। छोटे छोटे गेम्स को, इवेंट को करने के लिए हम इस स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। So all of you read the chapter, and if you have any problem, then ask me. Is measurement and what is time? There are different international units, so all of you will learn the unit also. And read the chapter carefully. One question I have given you to measure the length of your hand, feet, body, your living room, and your balcony. Today you will measure it and write it in your notebook. And write the standard units of length, mass, and time. Okay, all of you understood? Okay. क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। व्हाई आर यू सो वरीड? आज भेजूंगी तुम लोग को 4th चैप्टर का। ओके okay? ऑन योर व्हाट्सएप आज भेज दूंगी चैप्टर 4 का व्हाट्सएप ग्रुप पे। ऑल ऑफ यू नोट इट डाउन फ्रॉम योर ग्रुप। ओके इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी ऑन मंडे। ओके यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। रीड द चैप्टर केयरफुली। I will send you the question answer of chapter 4. You will note it down in your notebook nicely and in a better way. When your school reopens, your copy will be submitted and checked. Okay?